बड़ी खबर रांची से आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की टीम ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है और चुनाव की तैयारियों पर पत्रातों में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। आज ही ने चुनाव आयोग को कानून व्यवस्था की पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल कुछ ही दिन रह गया है विधानसभा चुनाव होने में और ऐसे में अब रांची में चुनाव आयोग की जो तैयारी है वह पूरी हो गई है और ऐसे में देखा जा सकता है कि चुनाव आयोग जो है वह तैयारी में जुटी हुई है। चुनाव आयोग की टीम ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है और चुनाव की तैयारियों पर पत्रातों में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान आईजी ने चुनाव आयोग को कानून व्यवस्था की अहम जानकारी भी दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी सख्त नजर आ रहा है। बता दें आपको, चुनाव की तैयारियों में जुट गया चुनाव आयोग और ऐसे में अब चुनाव आयोग की टीम ने आज अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है और तैयारियों पर पत्रातों में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान आईजी ने चुनाव आयोग को कानून व्यवस्था की पूरी जानकारी दी है और साथ ही साथ चुनाव को लेकर भी, चुनाव में किस तरह से तैयारियां की जाए, सुरक्षा को लेकर भी इसमें बातचीत की गया और इस दौरान कई अहम चर्चा भी की। रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आज ने चुनाव आयोग की ओर से आज चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। चुनाव आयोग की टीम ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है और चुनाव की तैयारियों पर पत्रातों में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान मंथन भी किया गया और आज ने चुनाव आयोग को कानून व्यवस्था की सभी जानकारी दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन रह गए और ऐसे में अब सभी पार्टियां भी तैयारियों में जुटी हुई है और इस दौरान चुनाव आयोग भी अब तैयारियों को लेकर जायजा कर रही है और अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रही है। इस दौरान पत्रातों में चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, आज चुनाव आयोग की टीम ने अहम बैठक की है और देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वह सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, दिल्ली से चुनाव आयोग के जो वरीय टीम है, जो वरीय अधिकारी है, वो कल देर शाम रांची पहुंचे और रांची में पहुंचने के बाद वो आज सुबह से ही रामगढ़ जिले के पत्रातू रिजॉर्ट में जो हॉल है उसमें वो बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में झारखंड निर्वाचन आयोग के जो बड़े अधिकारी है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो जिले के जो निर्वाचन अधिकारी है, तमाम जो जिले हैं उन तमाम जिले के निर्वाचन अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने और असेंबली इलेक्शन में को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं और कैसे इलेक्शन कराई जाए और जो व्यक्ति की मतदाता सूची में नाम नहीं है उसको कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर चुनाव आयोग के जो वरीय अधिकारी है वो जिले के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में किसी भी प्रकार का जो मतदाता है उन्हें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो ये कह सकते हैं कि ये बैठक का जो दौर है वो लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे तक ये बैठक संभव माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस बैठक के बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक है, जो वरीय अधिकारी पहुँचे हैं दिल्ली से, जो टीम आई है उनके साथ जो झारखंड के जो CEO है के रवि कुमार, जो निर्वाचन पदाधिकारी है, उनकी यह बैठक है। हालांकि देखिए, इससे पहले आपने देखा कुछ महीने पहले किस तरह से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद अब झारखंड में असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे स्थिति में क्या कुछ तैयारियां, उन तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सूरज, जैसे में आपने कहा कि तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और तमाम जानकारी भी साझा करने हैं, ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव आयोग की चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और क्या क्या और कुछ मंथन हो रहा है इस बैठक के दौरान? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से अभी असेंबली इलेक्शन होने हैं और असेंबली इलेक्शन में क्या कुछ खामियां हैं, कैसे उन खामियों को पूरा किया जाए, उन तमाम विषयों को लेकर फिलहाल यहां पर चर्चाएं हो रही। जैसे हमने जिक्र किया कि असेंबली इलेक्शन को लेकर जो मतदाता सूची में जिनकी नाम नहीं है उन मतदाता सूची में कैसे उन्हें जोड़ा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर लगातार चर्चाएँ हो रही है और सभी 24 जिले के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। पल पल हमारी नज़र बने रहेगी इस खबर।